हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट विज्ञानंश। यू आर हियर विद हरदीप सिंह एंड टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड विद द क्लास 10th एंड इट्स द रिफ्रैक्शन। तो पहले हम कुछ वीडियोस देखेंगे, फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले वीडियोस देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नोटिस करेंगे रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन कि जब जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो मुड़ जाती है। आप इस कॉइन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिर्फ इस कटोरी को हम दूर करते जाएंगे। दूर करिए करिए करिए, देखिए आपको कॉइन दिख रहा है धीरे 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 प्लीज। और एक समय आएगा हमें कॉइन दिखना, और थोड़ा सा जाने दीजिए। बस अब हमें कॉइन दिखना बिल्कुल बंद हो चुका है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालेंगे धीरे से, सिक्का हिलना नहीं चाहिए। आराम से पानी डालिए धीरे 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 करके, सिक्का उसी जगह पे रहे। जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए, भर दीजिए कटोरी को, कटोरी भर दीजिए और भर दीजिए और भर दीजिए और भर दीजिए और भर दीजिए भर दीजिए भर दीजिए। देखिए हमें उसी जगह पे रखा हुआ सिक्का द्वारा से दिखना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर के अंदर। अब ये क्यों दिखना शुरू हुआ, इस पे अब हम काम करेंगे। इसमें आपको ये पेन ग्लास में बिल्कुल सीधा दिख रहा है, इसमें पानी डालिए ज़रा, फटाफट डाल दीजिए डाल दीजिए डाल दीजिए और डाल दीजिए। देखिए नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया पेन का, मोटा दिख रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है, पतला दिख रहा है। और हमें दो पेन दिखने शुरू हो गए। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक हिस्सा ये है पेन का बेस, और एक ये देखो कितना मोटा है और ये कितना पतला है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इसके अंदर, ऐसा देख सकते हैं आप क्यों है ये? ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। और हमें जो पेन है वो यहाँ से टूटा लग रहा है कि पेन पहले इधर है फिर इधर को चला गया। थोड़ा और पानी डालेंगे कटोरी में से, इसमें अब देखिए क्या लग रहा है आपको, दो हिस्से हैं पेन के, आधा पेन इधर है और आधा पेन इधर है। कैसे पॉसिबल हुआ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पेन तो हमारा सीधा है लेकिन बीच एक व्यवस्थाई क्या हो जाता है, टेढ़ा हो रहा है। तो आइए इसी टॉपिक पे हम फर्दर कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। नाउ फ्रॉम द वीडियोज एक बात समझ आई कि जो हमारी कटोरी है मान लीजिए उसके अंदर जब हमने पानी डाला तो जो रे यहाँ आपको दिख रही है, इस रे ने येलो वाली रे दिख रही है, जाना तो येलो लाइन में था लेकिन टर्न कहाँ कर गई, ये ब्लैक वाली साइड को टर्न कर गई। क्यों की है? हमने पिछले वीडियो में देखा है कि वेन एवर द लाइट पासिस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब भी कभी लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंस, रेयर क्या होता है जो ऑप्टिकली रेयर मतलब जहाँ जिसके कण दूर दूर हैं, जिसके पार्टिकल दूर दूर हैं, तो उससे जब वो किसी डेंस मीडियम की तरफ जाती हैं, जैसे यहाँ पे पानी है तो जब उसकी तरफ को मूव करती हैं तो उसके कण पास होते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाती है। तो यहाँ आप नॉर्मल दिख रहा होगा, बीच में जो डॉटेड लाइन है नॉर्मल है, और इधर से ये जो रेड के साथ दिखाई गई है येलो लाइन ये आ रही तो इंसिडेंट लाइन है, यहाँ से जाकर टर्न होकर जानी सीधी थी लेकिन टर्न इधर होगी तो ये क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे बन गई है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल थीटा वन है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच का एंगल थीटा टू है। जितना एंगल डिफरेंस आया है वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन that take place in a given pair of media is expressed in terms of refractive index. कहता को pair of media, जैसे pair of media की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास pair of media यहाँ क्या है, एक तरफ हमने air ली है दूसरी तरफ water लिया, ये experiment किया ना हमने अभी, तो जितने angle से यहाँ turn आया है तो जो भी direction turn होती है उसी को हम refractive index की terms में बात करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा इस particular figure से कि जानी जो रेडिएशन सीधी थी लेकिन वो टर्न होगी इसलिए हमें वो कॉइन दिख गया, या जो रेडिएशन सीधी जा रही थी वो वाटर के अंदर ग्लास के अंदर जाके टेढ़ी हो गई और हमें पेन कैसा दिखाई देने लग पड़ा, बेंट दिखाई देने लग पड़ा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन पेयर ऑफ मीडिया और गिवन रे ऑफ लाइट के लिए सदा कॉन्स्टेंट होती है। मतलब क्या है, अगर मैंने वाटर और एयर लिया है और रेड लाइट ली है तो वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। तो साइन थीटा अपॉन जो आपके पास थीटा वन है डिवाइडेड बाय साइन थीटा टू, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर द रेड लाइट।
अगर मैं येलो लाइट ले लेता हूँ तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन रहेगी उसके लिए कांस्टेंट। समझ रहे ना, अगर मैंने ग्लास कांच ले लिया और वाटर पानी ले लिया है, अब मैं चेक कर रहा हूँ तो किसके लिए, कांच और वाटर पानी के लिए, ठीक है, ग्लास और वाटर के लिए अगर रेड लाइट की वैल्यू है तो वो कांस्टेंट होगी, साइन थीटा अपॉन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू, ये सदा कांस्टेंट रहता। तो इट इज़ कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन रे ऑफ लाइट। दूसरा जो पॉइंट याद रखने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मूर्ति क्यों है अगर कोई पूछे, तो ये स्पीड के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जो रेयर मीडियम है वहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, दैट्स वाई यहाँ बेंडिंग हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाई इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जैसे एयर के अंदर एयर के पार्टिकल दूर है तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, तो वहाँ स्पीड क्या रहती है, हाई। और ग्लास क्या था, हमें पता है डेंस है, तो ऑप्टिकल डेंस मीडियम में वहाँ जाके स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड इट इज़ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, इसको सी से लिखते हैं, ये बार बार आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा। तो वैल्यू ऑफ सी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रहेगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपने यही भरनी है हर बार। अब चलते हैं कुछ इससे रिलेटेड और बातें करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। नंबर वन, इट इज़ डायमेंशनलेस नंबर। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आंसर आएगा नो यूनिट, ठीक है। इट जस्ट डिस्क्राइब हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मटीरियल एंड इट्स फार्मूला इज नीटा इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो यहाँ एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन द वैक्यूम और एयर, दैट इज 3×10⁻ मीटर। अभी हमने सी की वैल्यू पीछे पढ़ी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वही लिखनी है हमने। और वी हमारे पास क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, किसी भी मीडियम में हम वाइट यहाँ निकाल सकते हैं, तो क्लियर। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालेंगे। अब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कितने डिग्री के ऊपर जो लाइट है वो बेंड कर जाएगी, यानी कि साइन थीटा वन और साइन थीटा टू के बीच में, साइन आई या साइन आर के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, उनके बीच में कितना एंगल डिफरेंस आएगा। तो यही तो स्नेल का सेकंड लॉ था, हमने पढ़ा था कि एन इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा टू एंड इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, पढ़ा ना आपने। अगर आपको रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ पता है तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि नीटा टू वन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड आल्सो फॉर द गिवन रे ऑफ द लाइट, कि लाइट की रे भी वही हो, मीडिया का ग्रुप भी वही हो, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो सदा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ यही समझाया गया है। अब लिखने के लिए क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, वैसे तो पढ़ लीजिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइंस हाउ मच द पाथ ऑफ लाइट इज वेंट और रिफ्रैक्टेड व्हेन एंटरिंग अ मटेरियल, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, नीटा वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू वेयर थीटा वन एंड थीटा टू आर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे क्रॉसिंग द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, यहाँ दो फेसेस जुड़ रहे होते हैं, एयर और वाटर, जैसे हमने कटोरी में पानी डाला था ऊपर एयर थी, तो जहाँ आपस में जुड़ रहे हैं वो कहलाता है इंटरफेस। तो इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस एन वन एंड एन टू, इसको नीटा वन नीटा टू भी लिखते हैं, तो जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास इस केस में देखिएगा, हमारा मीडियम वन क्या है, यहाँ पे देखिए एयर है, और मीडियम टू सपोज हमने क्या ले लिया, अब ग्लास ले लिया, तो इसके बीच में इंटरफेस आ गया जहाँ पे दोनों सरफेसेस हैं। नॉर्मल लाइन आपको दिखाई दे रही डॉटेड जैसे पहले दिखाई थी, तो रेड लाइट जो जा रही है आपको दिख रहा है, इंसिडेंट एंगल बना रही है और पारे जाके रेड लाइट टर्न होके रिफ्रैक्टिव बना रही है। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर एन वन एंड एन टू लिखा गया है। एक बात याद रखनी है आपने कि जिसके रिस्पेक्ट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो हमारे पास कहाँ रहेगा, उसको बाद में लिखना है। तो देखिए क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मीडियम टू का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वन, टू हमने यहाँ पहले लिखना है, तो हमें क्या लिखा हुआ, नीटा टू वन या एन टू वन। फार्मूले में जो बाद का है वो ऊपर आएगा, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, मीडियम वन क्या है एयर, तो नीचे क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, तो दैट इज़ अ वेलोसिटी वन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी टू। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन अगर हमसे को पूछता है इस कंसेप्ट के साथ तो ये रहेगी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ध्यान रखिए फार्मूले में टू पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसका वैल्यू निकालनी थी। किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, वन के, मतलब ग्लास की वैल्यू निकालनी है और एयर के हिसाब से निकालनी है। एयर का तो हमें स्पीड पता है, कैसे पता, कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड अभी हमने निकाली है, तो वही यहाँ भर देनी है। और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू निकालेंगे। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, तो इस तरह से, तब दो वहाँ पहले लिखा, वन बाद में, लेकिन फार्मूले में ऊपर वन ऊपर आएगा, टू नीचे जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है, उल्टा कर दिया, तो देखिए अगर बोला कि वन की वैल्यू निकालनी है दो के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, अगर वन निकालना है तो एन के बाद पहले वन लगाया है फिर टू लगाना है, दोनों में ये डिफरेंस है। और यहाँ देखिए जो बाद में लिखा होता है फार्मूले की इस तरफ, उधर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम क्या हो जाएगा, टू ऊपर और वन नीचे, दैट इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। तो आप कैसे लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो टू के विद रिस्पेक्ट वन में जो साउंड हमारे पास स्पीड रहेगी हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों के चक्कर में। फिर एक और चीज़ रहती है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर हमारा एक मीडियम 100% एयर या वैक्यूम है तो हम उसके विद रिस्पेक्ट दूसरे की निकालेंगे, तब उसको बोल देना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए वाटर टू ग्लास है, वाटर टू डायमंड है, वाटर टू समथिंग एल्स है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन एयर टू ग्लास है, एयर टू वाटर है, एयर टू स्प्लिंट ग्लास है, एयर टू केरोसिन है, एयर टू डायमंड है, तब वो क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटीरियल, दैट मीन्स जिसके अंदर लाइट एंटर हो रही है। तो यहाँ हम बात करेंगे, तो इसको फार्मूला क्या रहता है, नीचे पढ़िएगा, दैट इज nm। इसका फार्मूला क्या है, nm इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सो दैट इज c अपॉन v का फार्मूला इसमें यूज हो जाता, तब रहेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और डिफाइन कैसे करेंगे, इसी की तरीके से, इफ द मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे आप इसके लिए, इफ द मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कुछ एक जो हमारे पास सब्सटेंसेज हैं उनके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज हैं, तो किसी के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो नीचे पहले नीचे वाले चार्ट में देखिए, एयर का कितना है 1.003, कैनेडा वलाजम का 1.53, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, रॉक साल्ट 1.54, ग्लास डायमंड का 2.42। इसी तरीके से कुछ और डायमंड से ऊपर भी आज दो तीन चीज़ें हैं जो हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर की हैं और उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ देखिए कि वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहाँ देखिएगा 1.33 है, नंबर दो पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, तो इसका क्या मतलब है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या मतलब है इसका, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33, कि अगर हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, एयर का सी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, तो क्या रेशियो रहेगी, 1.33 रेशियो रहेगी। तो इस तरह से हम इसको किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर पूछे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज दिस मीन, तो आप क्या लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दिस मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42। जो भी दिया जाएगा ऊपर वाले हिस्से में भर दीजिएगा, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।